शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे नहीं लगता क्रिप्टन इतनी आसानी से मिलने वाला है। अगर बैग यहाँ है तो क्रिप्टन भी यहीं कहीं होगा। ढूंढो प्लीज। एक कील कभी इस घर से मैंने बाहर नहीं फेंका, लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक दिन यही कबाड़ मेरे बेटे की जान का दुश्मन बन जाएगा। कल उन्हें क्रिप्टन पहुंचाना है। अरे एक साल गुजर जाएगा यहाँ ढूंढते ढूंढते। तुम ठीक कहती हो शांति, ये घर किसी फुटपाथ से कम नहीं है। अंकल आप परेशान मत होइए, आंटी जी हम क्रिप्टन ढूंढ के ही रहेंगे। क्या बताऊं बेटे, जब से विकास गया है मेरी जिंदगी में तो अंधेरा हो गया है। अंधेरा? अंकल वो मुरारी घर के सारे लाइट्स बंद कर दो। जी मालिक कर रहा हूँ। सारे लाइट जल्दी। लाइट ऑफ करने से क्या फायदा? बेटे अंधेरा करने से क्या होगा? अंकल क्रिप्टन तो मिल गया, मगर अब भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? पुलिस को भी क्रिप्टन की तलाश है। उन्होंने सारे शहर में नाकाबंदी कर रखी है। उनसे बचाकर इसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, पुलिस तो क्या पुलिस के कुत्ते भी नहीं सूंघ पाएंगे। आप लोग जा सकते हैं, इन्हें जाने दो। रोको रोको गाड़ी रोको गाड़ी। में क्या है? मुर्गियां हैं, आजकल भौंकती हैं। मजाक उड़ाता है? अरे भाई साहब ये खुद ही भौंक भौंक के अपनी जात बता रहे हैं और आप ही फिर भी पूछ रहे हैं। भैया मैं भी आपकी तरह जनता की और देश की सेवा कर रहा हूँ। इसमें शहर की कुछ आवार और पागल कुत्ते हैं, उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। बस 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 गेट खोलो। लेकिन ये दोनों कौन हैं? ये इनके कुत्ते को लवेरिया हो गया है। मलेरिया? मलेरिया नहीं लवेरिया। जाए ठीक है जाने दो इन्हें। बच गए। अंकल पुलिस से तो बच गए मगर क्रिप्टन कहाँ? अरे बेटा चिराग तले अंधेरा। ये लो। अंकल एक मिनट गाड़ी रोके। अंकल हम वो मोटरसाइकिल लेकर निकलते, आप विद्रोही जी को लेकर वहां पहुंचे। ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। अंकल आप कमाल है। अच्छा ठीक है उतरो। अरे मोटरसाइकिल पकड़ा उन्हें। मौसम भी कमाल है। क्रिप्टन मिल गया। चलो गाड़ी में बैठ। आप
के मुख्य समाचारों में रिसर्च सेंटर से चुराए हुए क्रिप्टन का कुछ पता नहीं। नेता राम गोपाल वर्मा कल अलोका भवन में हो रही मीटिंग को स्थगित करने को तैयार नहीं, हमारे संवाददाताओं से उन्होंने कहा। हम मानते हैं कि हमारी जान को खतरा है, मगर हम अलोका भवन की सभा को बर्खास्त नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आतंकवादियों को बल मिलेगा। मैं इस देश के उन गद्दारों को बता देना चाहता हूँ कि भारत के सपूत मौत से नहीं डरते। तुम एक राम गोपाल को मारोगे तो भारत माँ यहाँ की मिट्टी के कण कण से लाखों पैदा करेगी। मैं इस देश की सभी पार्टियों के नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि वो सभा में पहुंचकर इन समस्याओं का हल निकालने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद नेताजी, आपने अपने मरने की जगह अच्छी चुनी है। अलोका भवन। कर्नल साहब, यह सुनील, विकास का दोस्त। क्रिप्टन कहाँ है? विकास कहाँ है? चिकारा से सवाल मत करो, क्रिप्टन कहाँ है? मिल गया। प्रोफेसर, यस सर। इसे जल्दी बॉम्ब में फिट करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जाओ। सुनील, हम दोनों तो फंस ही गए थे, मगर तुम दोनों को जानबूझकर मौत के मुंह में आने की क्या जरूरत थी? क्यों, इसी को दोस्ती कहते हैं? विकास, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। हमें अपनी जान से ज्यादा इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि कर्नल चिकारा हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है, खोखला कर रहा है इसे। और तो और, वो नेताजी राम गोपाल वर्मा को भी मारना चाहता है। अगर उसने बॉम्ब बना लिया तो हमारे देश के लिए बहुत बुरा होगा। दो बॉम्ब तो उसने बना लिया है, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, और उसके इस पाप के काम में कहीं ना कहीं मैं शामिल हूं। भले तुम दोनों को बचाने के लिए ही, मगर क्रिप्टन तो मैं ही ले आया ना। मगर सुनील, और हम कर भी क्या सकते थे? लगता है अब इस देश में वही होगा जो कर्नल चिकारा चाहेगा। ओके सर, एज़ यू विश। हमारे विदेशी मेहमान इंडिया आ रहे, मगर प्रॉब्लम यह है कि उन्हें लेने कौन जाएगा? इसमें क्या प्रॉब्लम सर, मैं जाके ले आता हूँ। नहीं, नेताजी राम गोपाल वर्मा का कत्ल का उन पर शक न हो, इसीलिए वो ऐसे आदमी के साथ आना चाहते हैं जिसका कोई पुलिस रिकॉर्ड ना हो। बैठिए सर। सर, हमने अलोका भवन में बम फिट कर दिया है। नेताजी अलोका भवन में 4 बजे मीटिंग लेने आ रहे हैं, और हमने टाइमर पे 4:30 बजे का टाइम फिक्स किया है। यस सर, ठीक 4:30 बजे ऐसा विस्फोट होगा, ऐसा धमाका होगा कि सारे नेताओं की लाशें भी नजर नहीं आएंगी। वेरी गुड। सरकार ने मुझे नौकरी दी है नेताजी की रक्षा करने की, और मैं उन्हें मौत के मुंह में डाल रहा हूँ, तो मेरा इनाम। इनाम? सर, आपने कुछ सोचा वो लोग कैसे आएंगे?
वो दोनों लड़कों को भेज दो। जब तक वो लड़कियां हमारे कब्जे में है, वो हमसे गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकते।